ईद का दिन आ चुका है और मेरे शहजादे दोनों हो चुके हैं तैयार। इधर देखो दोनों, बाय बाय करो, बाय बाय। तो माशाल्लाह, शहजेब नीचे उतरो, नीचे उतरो, इधर आओ, दिखाओ कपड़े अपने। शहजेब और शाहजैन बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, आप भी बताइएगा कमेंट में कि दोनों कैसे लग रहे हैं। सो ये देखें, ये इनके शूज और ये फाइनल लुक। शाहजैन आप भी बाहर आओ, नीचे आओ, दिखाओ कपड़े, नीचे आओ। तो ये सुबह सुबह अभी हमने तैयार होना है, ये हमारी लुक, कमीज और दुपट्टा और शलवार। और अभी जब तैयार होंगे तो फिर आपको दिखाना कर। और ये देखें मेरी मेहंदी कैसी लग रही है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त। और ये शाहजेब की मेहंदी, शाहजेब ने लिखवाया था, एस ईद मुबारक, वाओ। और ये ग्लासेस, और ये शाहजैन की फ़ाइनल लुक, और ये माशाल्लाह दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और कमेंट में माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, वरना बच्चों को नज़र लग जाती है। तो ये दोनों खेलते हुए, बाकी डेली की रूटीन और जैसे जैसे आगे चलता जाएगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। तो इसके लिए वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, साथ साथ मैं इन दोनों की जो भी पिक्स बनाई हैं वो इधर साथ अटैच कर देती हूँ, वो देखिएगा। वगैरह करके अब मैंने आई हूँ रूम की तरफ, रूम को थोड़ा नीट एंड क्लीन करना है। ये बेडशीट मैंने कल परसों बिछाई थी, लेकिन ये उठा के नई बेडशीट बिछानी है। और ये कंबल वगैरह तय करके सब कुछ करना है। तो ये बेडशीट वगैरह बिछा के तो फाइनल मैं आपके साथ बताती हूँ। ये काम ख़त्म करके फिर हम जाएंगे अपनी तरफ, मतलब अपनी ईद की तरफ। तो ख़ुद को थोड़ा सा तैयार करेंगे, तो ये ख़त्म करके फिर दिखाती हूँ। गाइस रूम का मेकओवर हो गया है रेडी, तो बताएं कैसा लग रहा है। ये न्यू बेडशीट मैंने बिछा दी है, बाकी ये शाहजैन ब्रश के साथ खेलते हुए, करो करो। और ये देखें, चलो जी रूम भी हो गया रेडी, बच्चे भी हो गए हैं रेडी, अब हम खुद नहाते हैं और ख़ुद को तैयार करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा। फिर उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, जैसे बताया था चांद रात को सबके कर दिए, बस अपने रह गए थे। तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े तैयार होने से पहले मैंने सोचा कि रात के लिए खाने वगैरह बना दूं, क्योंकि तैयार होके फिर घूमने का दिल करता है, फिर ये सब करने का दिल करता नहीं है। तो इसलिए मन का हांडी वगैरह बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन बना रही हूँ, तो चिकन वगैरह बना के फिर इसके बाद फाइनल तैयार होगी और ज़रा घूमने फिरने जाएंगे, सब आपको दिखाऊंगी। ये मेरे साथ रहेगा। और ये देखिए, ये जीजू हालत अपनी बिगाड़ते हुए, अब अपनी हालत कैसी बिगाड़ के आए हैं। क्या करना, जूस पीना? नहीं ना, ऐसे नहीं करते, जूस पीना। अम्मा चिटके खाना वगैरह बना के फिर मैं आ गई रूम में और होने करने लगी ख़ुद को तैयार। फिर उसके बाद मैंने ख़ुद को कपड़े वगैरह चेंज किए और ज्वेलरी वगैरह सब पहन लिया, फिर नेल पेंट वगैरह लगा के बस मैं डन कर दिया अपने हाथ वगैरह पे नेल पेंट हो गई थी। फिर इसके बाद बारी थी पाँव की मेहंदी, वैसे भी पहले मैं नहीं दिखा सकी, तो इस वीडियो में साथ साथ पाँव की मेहंदी भी देखती जाइएगा। और नेल पेंट वगैरह लगा के मैं मतलब पाँव को भी रेडी कर लिया था। उसके बाद अब ये देखें, ये फाइनल ड्रेस भी दिखा देती हूँ आपको अपना। उसके बाद बारी थी अब मेकअप वगैरह थी, तो सबसे पहले मैंने जो मेकअप में यूज़ करना था वो चीज़ें निकाल ली। वैसे ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती, गिनी चुनी
चार पांच चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मेरी फेवरेट हैं। ये ब्लश या काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन काफ़ी मेरा फेवरेट था इसलिए मैंने ये निकाला। हाइलाइटर, ब्लश और ये ब्रश वगैरह, लाइनर, मस्कारा, मतलब और लिपस्टिक मैंने एंड में चेक की, फिर जो मुझे अच्छी लगी फिर मैंने वो लगा ली। अब मैं फ़ाइनल तैयार वगैरह होके रूम से बाहर निकल गई और ये देखिए ये फ़ाइनल। उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी कि हम बाहर चलें कहीं घूम फिर रहे हैं, तो इसके बाद हम सबसे पहले अपनी नंद के घर गए, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो ये अब हम नंद के घर आ गए, यहाँ पे काफ़ी अच्छी हरियाली थी तो यहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी पिक्स बनाई, वो भी आपके साथ आगे पिक्स शेयर करती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखें ये एक फ्लावर था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, बस एक ही था लेकिन सही चार चांद लगा रहा था। और ये है अमरूद का दरख्त, तो इस पर काफ़ी अच्छे फल लगते हैं। यहाँ की पिक्स वगैरह मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये फिर हम दूसरे घर आ गए थे और यहाँ पे तो बहुत अच्छे फ्लावर्स लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। यहाँ से बाहर का सीन मैं आपको दिखाती हूँ, खेत वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे लगते हैं। यहाँ पे बाहर पिक्स बहुत अच्छी आती हैं लेकिन बच्चों ने तंग किया हुआ था इस वजह से मैं पिक्स वगैरह नहीं बना सकी। ये देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं दिखाती हूँ सबसे मेन चीज़ यहाँ की, ये टेंपल, ये गुरुद्वारा कहते हैं इसे। यहाँ पे बहुत कदीम अरसे से है और ये हमारे मोहल्ले में ही है, मतलब चार पांच घर छोड़ के ना ये मिड में, हमारे मोहल्ले के मिड में है और सारा मोहल्ला हमारा अपना है, हम सब अपने मतलब रिलेटिव्स हैं हम सब ना। तो वहाँ से वापस आके फिर हमारा मूड बना के बाहर जाने का, रात का टाइम हो गया था, बच्चों को सुला लिया था, बच्चों के साथ जाने का कोई मज़ा नहीं आता, ना कुछ खाने देते हैं ना बैठने देते हैं कुछ नहीं, तो बच्चों को सुला के तो हम निकल गए एक लॉन्ग ड्राइव पे, वो भी बाइक की ड्राइव पे। तो साइकिल निकल गए, फिर मेरा मूड था पिज़्ज़ा खाने का तो ये हम आ गए डेल्को पिज़्ज़ा में। काफ़ी ज़्यादा रश थी क्योंकि ईद का पहला दिन था, काफ़ी देर हमें वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद जाके हमें खाली टेबल मिला। यहाँ पे हम काफ़ी खड़े इंतज़ार करते रहे और यहाँ की सर्विस भी बहुत स्लो थी, एक घंटे ऑर्डर में लगता था, फिर एक घंटा आने में लगता था, फिर एक घंटा बिल देने में लगते थे, बहुत ही ज़्यादा लेट थे। पहले यहाँ हम पीछे गए फिर आगे आए लेकिन कोई जगह नहीं हमें मिली, इतनी देर हम खड़े खड़े इंतज़ार करते रहे, तो फिर जाके कहीं एक घंटे बाद हमारी बारी है। अल्लाह अल्लाह करके हमें मिल गया था टेबल, उसके बाद बारी थी ऑर्डर करने की। तो ये मैंने बारबेक्यू का मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, काफ़ी देर बाद पिज़्ज़ा आया, हमने खाया और हम आ गए वापस। सो गाइस आज का व्लॉग अगर मेरा अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।